टाइटल के पीछे क्या छुपा है, कौन करेगा फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकर्स ने क्यों रखा फिल्म का ऐसा टाइटल। रजनीकांत इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक है। वो लगातार अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते रहते हैं। रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अनांथे को लेकर सुर्खियों बना रहे हैं और इसी बीच साउथ के डायरेक्टर नेल्सन ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट किया है। नेल्सन की फिल्म में साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत लीड रोल में अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ते नजर आएंगे। फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट करेंगे। नेल्सन तमिल सिनेमा के एक बेहद ही पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर है। फिल्म के मेकर्स अभी फिल्म की स्टोरी और स्टार कास्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी सारी जरूरी बातें डिसाइड हो जाने के बाद मेकर्स फिल्म की शूटिंग को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे। रजनी सर की ये फिल्म सन पिक्चर्स के बैनर के तले बन रही है। रजनी सर का स्टाइल इतना पॉपुलर है कि उनके स्टाइल के लाखों और कैरोडन में फैंस दीवाने हैं। उनके स्टाइल को और भी खास और शानदार बनाने के लिए मेकर्स ने फिल्म में उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए कई नामी और टैलेंटेड कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को हायर किया है। फिल्म में रजनीकांत के लिए निहारिका खान, पल्लवी सिंह और अशोक कुमार जैसे मांझे हुए डिजाइनर्स कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स कई ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी डिजाइन करेंगे जो कि उनकी साउथ इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट करें। वैसे आप में से कई लोग के मन में फिल्म के टाइटल से जुड़े कई सवाल होंगे कि मेकर्स ने फिल्म का ऐसा टाइटल क्यों रखा है, इस टाइटल का क्या मतलब है और वगैरह वगैरह। वेल, हम आपको बता दें कि मेकर्स ने फिल्म का टाइटल थलाइवर 169 इसलिए रखा है क्योंकि साउथ में रजनीकांत के सभी फैंस उन्हें थलाइवा कहते हैं और ये फिल्म रजनी सर के फिल्मी करियर की 169th फिल्म है। मतलब कि फिल्म के टाइटल से फिल्म के हीरो और उनकी ये कितनी फिल्मों में से एक है ये दर्शाना है। तमिल भाषा के शब्द थलाइवर का हिंदी में मतलब होता है एक नेता या बॉस जो कि कई लोगों को कमांड करता है। साउथ के लोग रजनी सर को रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें थलाइवा के नाम से ही बुलाते हैं, इसीलिए मेकर्स ने फिल्म का नाम थलाइवर 169 रखा है। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक देश के सभी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी फिल्मी दुनिया के सारी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियो से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।